मुस्लिम पार्टी के कार्यालय लखनऊ में जो एक अनशन का क्रम चल रहा है, आज उसका 7वां दिन था और आज हमने पर्यावरण पे केंद्रित किया। पर्यावरण से संबंधित जो सबसे चिंताजनक बात है वो ये कि जो हाल में ही पर्यावरण मंत्रालय ने जिसके नाम में अब जलवायु परिवर्तन भी जोड़ दिया गया है, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उसने जो पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन की अधिसूचना जारी की है उसमें कई सारी चीजें हैं जिसको लेके आपत्ति है हमारे जैसे लोगों को, जो इस देश की आम जनता के हित में नहीं है बल्कि इस देश की का जो कॉरपोरेट वर्ग है, जो जो प्राइवेट कंपनियां हैं उसके हित में है। जैसे कि सामरिक दृष्टि से पहले क्या था कि कोई भी परियोजना है उसको चालू होने के पहले उसका पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन होता था, जिसमें एक जन सुनवाई भी होती थी, जिस इलाके में बन रहा होता था वहाँ पे जहाँ पे परियोजना लागू हो रही थी वहाँ के लोगों को एक मौका मिलता था अपनी बात कहने का। और ऐसा कई बार हुआ है कि कोई ताप विद्युत घर है, परमाणु बिजली घर है या कोई हाईवे परियोजना है, तो स्थानीय लोगों को आपत्ति रहती है और लोग अपनी आपत्ति दर्ज कराते हैं और कई बार ऐसा होता है कि लोगों की आपत्ति की वजह से परियोजना को मंजूरी नहीं मिलती या कम से कम कुछ समय के लिए नहीं मिलती है। और जब जो कंपनी परियोजना लगाने वाली है जब वो अपने अपनी शर्तों में कुछ फेर बदल करती है तो उसको अनुमति मिल सकती है। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण उसमें जनता का हस्तक्षेप पहले था जिसको अब नई अधिसूचना में खत्म किया जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि जनता से पूछने की जरूरत ही नहीं है, अगर किसी को शिकायत करनी है तो वो सरकारी अधिकारी कर सकते हैं, जो परियोजना लगा रहे हैं वो कर सकते हैं। अब भला जो परियोजना लगा रहा है वो पर्यावरण को लेके कोई शिकायत क्यों करेगा, जब उसका आर्थिक मुनाफा है उस परियोजना में तो जाहिर है कि वो नहीं करेगा। तो ये एकदम बेसिर पैर की बात है जो की जा रही है और लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार का हनन है कि आप जो है लोगों को सुनवाई का मौका नहीं देंगे। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि परियोजना लगाने वाला चाहे तो पहले परियोजना शुरू कर दे और पर्यावरण की अनुमति बाद में ले ले। अब ये भी बड़ी अजीब बात है, मान लीजिए मैंने कहीं पैसा लगा दिया और बड़ा पैसा लगा दिया तो मैं क्यों चाहूंगा कि मुझे पर्यावरण की अनुमति ना मिले, मैं तो एड़ी चोटी की जोर लगा दूंगा। और इस देश में सबको मालूम है कि भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है। हम लोगों को मालूम है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कंपनियों से पैसा लेके उनका जो वो उनके उनके कारखानों से जो गंदा पानी निकलता है वो जो स्लज निकलता है उसको बिना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में साफ किए उसको साफ पानी में नदियों में यहाँ तक कि गंगा जैसी नदियों में डाल दिया जाता है। तो भ्रष्टाचार की वजह से इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको आप बिना सरकारी विभाग को प्रभावित किए हुए आप अनुमति नहीं ले पाएंगे। अनुमति दबाव डाल के और दूसरे तरीकों से भी लोग ले ही लेते हैं। तो ये जो प्रावधान है ये एकदम जन विरोधी है, क्योंकि शुरू करने के बाद जो है अनुमति लेने का कोई मतलब नहीं है। अनुमति तो परियोजना शुरू करने के पहले ही होनी चाहिए। और कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिसमें सिंचाई परियोजनाएं हैं और कुछ और चीजें हैं जिनको कि अनुमति के दायरे से बाहर रखा गया है। तो कुल मिला के
पहले पर्यावरण सुरक्षा कानून जो 86 का है, उसके तहत उस कानून के उल्लंघन की सजा 5 से 7 साल जेल हो सकती थी। अब ये कहा जा रहा है कि अगर आपने कोई पर्यावरण के कानून का उल्लंघन किया है तो आपको 2,000 से 10,000 रुपये प्रतिदिन की का जुर्माना लगेगा। तो भाई जो पैसे वाला है वो तो जुर्माना दे सकता है और वो जुर्माना दे के बच जाएगा। तो जो नई अधिसूचना आई है ये पूंजीपतियों के हित में है। हम देख रहे हैं कि ये सरकार एक के बाद एक ऐसे कदम उठाती जा रही है जो पूंजीपतियों के हित में है और आम इंसानों के विरोध। अभी हाल में जो 3 कृषि संबंधित कानून जो पारित हुए हैं उनमें भी यही बात है कि वो कानून पूंजीपतियों के हित में ज़्यादा है, आम लोगों के, आम किसान के हित में नहीं है। तो जिस तरह से ये पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना लाई गई, न्यायालय ने पर्यावरण मंत्रालय से कहा कि भाई इसको आप देश में जो 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उसमें अनुवाद करा दीजिए, क्योंकि उन लोगों का जीवन प्रभावित होने वाला है जो अंग्रेजी नहीं पढ़ पाएंगे। आप उसको स्थानीय भाषा में अनुवाद करा देंगे तो कोई ना कोई पढ़ के उनको सुना देगा। लेकिन इसके बावजूद उसी समय जब प्रशांत भूषण पे अवमानना का मुकदमा हो रहा था, उसी समय पर्यावरण मंत्रालय ने कोर्ट की बात नहीं मानी 22 भाषाओं में उसका अनुवाद करने की, और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कोर्ट भी जो है सरकार और पूंजीपतियों पे मेहरबान है कि पूंजीपतियों के पक्ष में कुछ भी हो उस पे कोर्ट कोई सवाल नहीं खड़ा करती। तो ये जो पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन की अधिसूचना आई है हम इसका विरोध करते हैं, सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से विरोध करते हैं, और हमारा मानना है कि ये वापस लिया जाना चाहिए। और पहले जो व्यवस्था थी कि सभी किस्म की परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन आवश्यक था, उसमें जो भी कमियां थी उनको दूर किया जाना चाहिए, उसमें अगर कोई भ्रष्टाचार है उसको दूर किया जाए, लेकिन उसको ही मजबूत बनाने की जरूरत थी अगर हमको अपना पर्यावरण सुरक्षित रखना है। लेकिन लगता है कि ये सरकार जो है उससे पर्यावरण की कोई खास चिंता है नहीं, और इसलिए पर्यावरण को नजरअंदाज करके वो ऐसी व्यवस्था बना रही है जिसमें पूंजीपतियों के लिए कोई भी कारखाना लगाना और उसे चलाना आसान हो जाए। मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ जो जिससे मेरा संबंध भी है। कोका कोला का एक कारखाना है बनारस में, उसके खिलाफ आंदोलन में मैं शामिल रहा। 2003-04 में हम लोग जेल भी गए। वो कारखाने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जब सूचना के अधिकार के तहत ये पता किया गया कि उसमें कितना कचरा निकल रहा है, और जब ये पाया गया कि उस कारखाने ने अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा ली है, लेकिन उसके बावजूद वो जो कचरे की मात्रा है वो उतना ही बता रही है जितना पहले कचरा था, तो उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक पत्र जारी करते हुए ये कहा कि आपने उत्पादन की क्षमता बढ़ा ली है लेकिन आप कचरे की मात्रा उतना ही दिखा रहे हैं, इसका मतलब कि आप जो बता रहे हैं वो बात सत्य नहीं है, इसलिए आपको जो भी अनुमति मिली है, जो भी अनापत्ति प्रमाण पत्र मिले हैं वो सब वापस लिए जाते हैं, और वो कारखाना बंद करा दिया गया। ये बात है जब नरेंद्र मोदी की सरकार एकदम आई थी, और हम लोग को ये इस बात से बहुत खुशी हुई कि भाई कम से कम इस कारखाने के खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया था, और चलिए अब ये कारखाना बंद हो गया, और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जिसके ऊपर पहले भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे थे उसने कम से कम एक सही कार्रवाई की। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद कोका कोला हरित न्यायालय चला गया, और वहां पे कोका कोला ने ये दलील दी कि उसके कारखाने से संबंधित निर्णय में केंद्रीय भूगर्भ जल आयोग की भी भागीदारी होनी चाहिए, और फिर न्यायालय ने भूगर्भ जल आयोग से पूछा कि भाई आपका क्या कहना है इस बारे में, और भूगर्भ जल आयोग ने कोई जवाब ही नहीं दिया।
तो कोका कोला ने कहा कि भाई हमारा नुकसान हो रहा है, जब तक उनका कोई जवाब नहीं आता तब तक हमें कारखाना चलाने दिया जाए। और जो कारखाना उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बंद करा दिया था, वो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, बनारस से सांसद बनने के बाद, बनारस के मेहंदीगंज में वो कारखाना दोबारा चालू हो गया। तो ये दिखाता है कि ये सरकार पर्यावरण के प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है, बल्कि पूंजीपतियों की मदद कर रही है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए। इसलिए हम लोग जो अधिसूचना है पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन 2020 की, उसको वापस लेने की मांग करते हैं। और हम ये भी मांग करते हैं कि जो पर्यावरण के कानून हैं उनको बल्कि और गंभीरता से और ईमानदारी से लागू किया जाए, ताकि कोई भी कारखाना, कोई भी ऐसी इकाई देश के अंदर काम न करे जिससे कि पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।